जे एंड के यूटी अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन इम्प्लीमेंट रिहैबरे खेल फेस सेकेंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये विजुअल साहब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बिल्कुल बाहर के देख रहे हैं और कुछ तस्वीरें इनके हाथों में हैं। जस्टिस विद अनएम्प्लॉयमेंट फिजिकल स्टूडेंट्स ऑफ रिहैबरे खेल। तो ये विजुअल साहब के सामने हैं और हाथों में पोस्टर्स हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जस्टिस विद अनएम्प्लॉयमेंट फिजिकल स्टूडेंट्स ऑफ रिहैबरे खेल, तो जाहिर सी बात है। क्या कुछ कहना चाहते हो? अभी सब अंदर है लेकिन बाहर अकेला है। रोहित सर, पहले तो आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप आए यहाँ पे। आज आप देख सकते हैं हम इतनी धूप में खड़े हैं। ये यहाँ से नहीं, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ, रजौरी, सब लड़के यहाँ से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं राणा जी का ये फर्ज नहीं था, बाकी बीजेपी लीडरों का ये फर्ज नहीं था, अंदर बैठे हुए हैं। उनका फर्ज था कि यहाँ आके हमसे बात करनी चाहिए थी, एसी में बैठने का फर्ज नहीं था इनका। आपसे पहले भी मुलाकातें हुई हैं, तस्वीरें आप बता रहे हो, ये तस्वीरों तक ही रहेगी। शूज पॉलिश भी की हुई है हमने, वो भी नहीं दिख रहा इनको। अभी इतने पढ़े लिखों से शूज पॉलिश करवाएंगे, सब्जी बेची हमने सर इतना पढ़ के। अभी आप ये जो हमारी प्रोफेशनल डिग्री है, ये हम किसी और फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकते सर। ये नहीं कि आपने बीए किया, एमबीए किया, कुछ ऐसा वैसा किया। जो फिजिकल एजुकेशन जो डिग्री है सर, हमें मॉर्निंग में 4 बजे असेंबली लगती है हमारी कॉलेज में, 48-49 डिग्री का टेम्परेचर होता है सर, उसमें हम इतने उस पर करते हैं। शाम को फिर हमें कहीं ब्रेकफास्ट के लिए आधा घंटा, लंच के लिए आधा घंटा मिलेगा। उसके बाद पूरे दिन 8 या 9 बजे हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले छोड़ते हैं वहाँ से। कितना क्या कुछ अभी तक आश्वासन मिलते आए हैं? वो देते हैं सर, ये कहते हैं कि हाँ आप 2 महीने रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, आपको हम सेकंड फेज रिलीज कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। आऊँ बैठे रहा बस सर, कुछ नहीं, आऊँ बैठे रहा बस, वही डायलॉग मिलते हैं आपको। एक आपको लाइन बताऊंगा, डिग्री करके यूथ हो गया बेरोजगार, शर्म करो बीजेपी सर का, ये स्लोगन बच गए इनके बोलने के लिए। हम भी बीजेपी पार्टी से बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा नहीं ना कि आप जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको आप खज्जल कर रहे हो, धोखे में रख रहे हो। अभी खेलो इंडिया में, अभी खेलो इंडिया नहीं, हमारा ये टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स आए हैं, बहुत बहुत मुबारक देते हैं हम अपने भारतीय देशवासी को। जी सर, पर आप एक साइड किसी ने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा वो मेडल सर, हमारे इतने कम क्यों आए, बाकी कंट्रीज के इतने मेडल क्यों आए सर? वो वजह यही है, इंडिया में फिजिकल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, स्टेडियम कोचेस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता सर, ये वजह है। एलजी सर, खेलो इंडिया के लिए सेंटर के लिए पैसा आ रहा है, स्टेडियम के लिए पैसा आ रहा है सर, वो सेंटर, वो स्टेडियम, वो कैसे चलेंगे? जब तक आप फिजिकल एजुकेशन टीचर को जॉब दोगे तभी वो चलेगा। अदिति शर्मा जी से भी मिले हैं आप, रेश गुप्ता जी से मिले हैं, सब सबसे मिले हैं। अदिति मैम से भर 3-4 बार मिले, टेंशन लो मैं 2-3 दिन में आपको एलजी सर से मिला दूंगी। फोन करते फोन नहीं उठाते, गायब। 2-3 दिन का टाइम दिया था, 2 साल हो रहे हैं हमें, आज तक उन्होंने नहीं मिलाया सर। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई जब सर, आज आप यहीं पे रहेंगे ऑन कैमरा, जब तक रहना जी हमसे प्रॉमिस नहीं करते कि कब तक सेकंड फेस आएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके सामने साफ तौर पे कहना है इनका कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश